आजादी से पहले अपनी सत्ता कायम रखने के लिए अंग्रेजों ने भी आज ही की तरह भारत को कई जातियों, धर्मों, वर्गों, क्षेत्रों में बांट रखा था। कांग्रेस अंग्रेजों की इस बांटो और राज करो की नीति को बखूबी जान रही थी। इसलिए कांग्रेस ने महसूस किया कि अगर भारतीयों को जल्द ही एकता के सूत्र में नहीं पिरोया गया तो आजादी की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 का कलकत्ता अधिवेशन इस दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए वंदे मातरम को अपनी आवाज देकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आजादी की लड़ाई में जोश भर दिया। वंदे मातरम से माता की वंदना करने का अर्थ निकलता है और उस दौर में भारत माता की आजादी और वंदना ही हर भारतवासी का लक्ष्य बना हुआ था। आंदोलन की विभिन्न रैलियों में जोश भरने के लिए गाए जाने वाले इस गीत की लोकप्रियता से भयाक्रांत होकर ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली। तो आवाजें आज ही नहीं दबाई जा रही हैं, बल्कि अंग्रेज भी यही कर रहे थे। इसके बाद तो न केवल 1896 बल्कि कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देने लगी। ये गूंज ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला रही थी, क्योंकि लाला लाजपत राय की पत्रिका का नाम वंदे मातरम। आजादी की बलिवेदी पर चढ़ने वाले शहीद क्रांतिकारियों के आखिरी शब्द वंदे मातरम। भीकाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा फहराया तो उसमें वंदे मातरम। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की पुस्तक क्रांति गीतांजलि में वंदे मातरम। भारत की आबो हवा वंदे मातरम से महक उठी। यही कारण है कि आगे चलकर 1937 में पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य देव की कमेटी ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में गाने का निर्णय लिया। वंदे मातरम को आधार बनाकर तब ब्रिटिश हुकूमत ने देश को धार्मिक रूप से बांटने का प्रयास किया था और आज भी वही प्रयास जारी है। मगर देश न तब बटा था और न ही अब बटेगा। जय हिंद।